तो फाइनली हमारे एग्जाम्स पूरे खत्म हो चुके हैं। अरे ओ सांभा, क्या नहीं पता चल गया? यही वजह है गब्बर, मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता गब्बर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज एन, हम इस दीवार को फांदने वाले हैं गाइस। अब आपकी बारी, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिम नदीम, यू आर वाचिंग योर चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। 10 से 12 दिन हो चुके हैं जब मैंने कोई नया व्लॉग नहीं डाला, तो आज सोचा क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए। कैसा महसूस हो रहा है? आप इतना खुद फान करके आप नीचे उतरे हैं, सारा चर्बी खत्म, इनका सारा चोर भी गोल गया। सुनसान सड़कें, तीन राही, क्या सुन रहे हो? 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है, 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। और अभी हम नमाज पढ़कर वापस आ चुके हैं, चाय शाय भी पी चुके हैं, और फिलहाल मैं दोस्त के हॉस्टल रूम में हूँ। मेरे साथ एक कुख्यात आदमी है जो उधर बिस्तर पे काफी मशरूफ हैं, सर सैयद अहमद खान। फिर आप देखिए हॉस्टल की ये रूम खस्ता हालत में है, मगर इस पे गौर मत कीजिए। जो PhD करते हैं उनके लिए बैक रूम होता है, ये बड़ा सा ऐसा कपड़े टांगने के लिए बड़ी जगह वाला रूम है ये। अभी मैं आपको अपने रसोइये के पास लेकर जाता हूँ। हमारे सामने अंडा निकल रहा था, हमारे सामने टमाटर और ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब क्या बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? अभी हम नजर डालेंगे चावल कितना है, काफी चावल है मेरे लिए, तो 5-6 दिन के लिए काफी है। तो गाइस ये बन के तैयार हो चुका है, हमारे युगांडा के शेफ ने बहुत मेहनत की है। अभी आइए, दरवाजा बंद हो जाए, बकरों को रख दिया जाए बलि के लिए। आसिफ भाई, व्हाट आर यू अप टू? हे सब्जी, ये अपने पास रोटी, ये लीजिए रोटी, प्लेट लाना पड़ेगा। और मुझे पंखा ऊपर चल रहा है, खाना नीचे ठंडा हो रहा है, जल्दी से इसको खा लिया जाए। मिलते हैं खाने के बाद। सफर के लिए निकल चुके हैं, फिलहाल मेरे साथ दो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके पास कुख्यात किस्म की वस्तुएं हैं। एक वस्तु ये, दूसरी वस्तु ये है, ये तो कुछ ज्यादा ही हानिकारक है। मुझे डर लग रहा है, मगर मैं सफर में निकल चुका हूँ, ऊपर वाला बचा है, हम जल्दी से मंजिल पर पहुँच जाए। उतर जाइए, हमारी खतरनाक एंट्री हो चुकी है। आपके सामने है अम्बेडकर हॉस्टल। धीरे धीरे चल के मंजिल की ओर। कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे दुखद नहीं, कुछ खुशहाल बातें कीजिए प्लीज। खैर तो फाइनली हमारे एग्जाम्स पूरे खत्म हो चुके हैं। आज दो थे, सुबह 9 बजे से लेके अभी 2 बज रहे हैं, शायद 2:15 तक लास्ट पेपर हुआ मेरा। दो पेपर था आज एक साथ, पहला मतलब ठीक ठाक गया, दूसरा कोई बहुत ठीक नहीं गया। जो मेरा पहला पेपर था ना, उसको मैंने आखिरी वक्त तक लिखा, आखिरी दम तक। दूसरा पेपर जो था ना, मैं 1 घंटे में करके सो गया। सो क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट? अरे यार आसिफ भाई, पाइन एप्पल खाने की तैयारी होने जा रही है दोस्तों, क्यों बैठ रहे हैं आप? एक नए पेपर इसको ये लीजिए, आप ऐसे रख दूंगा। हमारे जोहर की नमाज कजा हो चुकी है, कजा नहीं मतलब वक्त से निकल चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं खुद से नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ना पढ़ाना हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आसिफ भाई खाना तैयार है क्या? नहीं, खाना भी नहीं तैयार है, बदकिस्मती देख रहे हैं आप। मुझे सर्दी कहीं दे रहा है। अब मेरी बदकिस्मती पे कौन रोएगा? मैं नहीं बताऊंगा, कोई तो रोए। गाइस ये जगह देखिए, कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से, सामने स्टेडियम है, यहाँ बैठ के व्लॉग करने लायक, एकदम चेहरे पे फोकस। 4:40 हो चुके हैं, एग्जाम देकर आया, नमाज पढ़े और अभी तक खाना नहीं खाए थे, अब इंशाल्लाह जल्दी से खा लेंगे, फिर असर का टाइम होने वाला है। सामने खाना तैयार है, ये भाई साहब ने बड़ी मेहनत से जद्दोजहद से खाना बनाया है। गाइस आज मैं सुबह सुबह निकला और अचानक से देखा यहाँ साफ सफाई चल रही है। करेक्शन, मैं अचानक से नहीं देखा, धीरे धीरे करके फिर अचानक से देखा। ये चाय पीकर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
ओह सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, 6, और मुझे आपसे कुछ 2 जरूरी बातें करनी थी। सबसे पहले आज का जो व्लॉग है ना, उसमें जो है बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि अचानक से मैं एग्जाम देने चला जा रहा हूँ, अचानक से मैं आपको हॉस्टल का रूम दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है, अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, जो लास्ट मेरा एग्जाम था 3 तारीख को, 3 तारीख के 2 दिन पहले मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया था। आज एग्जाम खत्म होने के 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उसके वजह से डिसकंटिन्यूटी है, बीच में कनेक्शन टूट चुका है। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खेद है, आई एम वेरी वेरी मच सॉरी, इंशाल्लाह आई विल इम्प्रूव ऑन इट। दूसरी सबसे जरूरी बात, ओ माय गॉड, बिल्ली, खतरनाक बिल्ली, ए किधर गई बे, आज तो इसका पर्दाफाश करूंगा। क्या ये वही बिल्ली है जो यहाँ पे आके सूसु पॉटी करना चाहती है? बताओ, कलमू ही बिल्ली, हालांकि ये गोरी है। बिल्ली निकल जाओ यहाँ से, हमारी बात पे रिस्पॉन्ड भी करती है। मुझे कुछ अच्छा एंगल नहीं मिल रहा है, इधर से इतना चिड़िया चेंचे कर रही है। सो गाइस, दूसरी जरूरी बात ये थी कि मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स फाइनली पूरे हो ही गए। टी शर्ट भी मेरी आपको चीख चीख के थैंक यू बोल रही है। यही सिर्फ दूसरी बात नहीं थी, दूसरी बात बहुत थी एक्सटेंडेड है। असल में मेरे व्लॉग्स में एक कमेंट आया था मुझे बहुत पहले, और ऐसे इस टाइप के कमेंट्स आते रहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए या फिर कॉमेडी स्केचेस बनाने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडी तो है ही नहीं, मेरे बस की बात है ही नहीं, इंट्रोवर्ट हूं ही मैं 2 लोगों से भी सही से बात नहीं कर पाता जब मेरे सामने आते हैं, कैमरे के सामने कितना ही मैं बड़बड़ा लेता हूं। मैं इसको एक हदीस से स्टार्ट करना चाहूंगा, अपनी इस आर्गुमेंट को पेश करना चाहूंगा। एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तिर्मिजी की हदीस है शायद, सही है हसन है, वैसे इसकी सही हदीस भी मुझे पता है बुखारी या मुस्लिम में है, मगर तिर्मिजी वाला जो है मुझे याद आ रहा है, हसन दर्जे की है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई इंसान किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, उस पर अल्लाह का गजब होता है, खसारे में वो बंदा, नुकसान में है। कॉमेडी स्केचेस में और स्टैंड अप कॉमेडी में जानते क्या होता है, आपको प्री प्लान करके अपने से बातें जोड़ जाड़ के कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे दोस्त यार मुझे बोलते हैं, आकिब तू तो पतला सा टिड्डा है, खाता होता नहीं है क्या, थोड़ा खाया कर, सूख चुका है, तो इसमें आपको हंसी नहीं आएगा। ये सच्ची बात है, ऐसा मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला भी होगा। अभी इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा फिरा के बोलूं तो आपको शायद हंसी आ जाए, जैसे कि अरे यार कल मैं ना फोन चला रहा था, तो मैंने फोन निकाला और अपना चेहरा उसमें देखा, क्या खूबसूरत मैं उसमें दिख रहा था, अचानक से गूगल क्रोम पर एक नोटिफिकेशन आता है, हवा में उड़ने से बचे, हवा में उड़ने से बचे। मैं ये देखकर चौंक गया, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। भाई उसमें लिखा हुआ था, पतले दुबले इंसान जो काफी टिड्डे से हैं, वो हवा में उड़ने से बच सकते हैं अगर वो हमारे कंपनी का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये उनके वजन को 2 गुना ज्यादा बढ़ा देगा और वो हवा में नहीं उड़ेंगे। फोन को भी पता चल गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों को भी पता चल गया कि मैं पतला दुबला टिड्डा हूँ, वो डायरेक्ट मुझे गूगल क्रोम से नोटिफिकेशन भेज के बता रहे हैं कि मैं पतला टिड्डा हूँ। इस टाइप की अगर मैं घुमा फिरा के ऑगमेंट करूंगा ना, लोगों को हंसी आएगा, मगर इसमें झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी मैं कई बार ऐसी चीजें बोल जाता हूँ जो सच नहीं रहती है, या तो एग्जैजरेट कर जाता हूँ या तो थोड़ा बहुत झूठ बोल जाता हूँ, उसमें भी गुनाह है। अरे ओ सांभा, क्या इन्हें पता चल गया? सही वजह है गब्बर, मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता गब्बर। सो गाइस, मैं अपने वीडियो को यहीं बंद कर देता हूँ, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो मैं और जल्दी व्लॉग्स लाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास यहाँ ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं रहता, इसलिए मैं रोजाना व्लॉग्स करके बोर नहीं करना चाहता, मगर अब बोर करने का वक्त आ चुका है, चैनल का जो है मेरा परफॉर्मेंस जो है गिर रहा है, आई कांट बेयर इट, सो इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करिएगा, व्लॉग को शेयर भी कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, अगर आप नहीं है तो भी बता सकते हैं, मैं दिल पे बुरा नहीं मानूंगा, इंशाल्लाह दिल पे बुरा नहीं मानूंगा। एक फिर घटिया सेंटेंस। व्हाट यू गाइस आर अप टू? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वी आर जॉइनिंग धर्म परिवर्तन, वी आर गोइंग टू जॉइन।